आरती जी दिल्ली में रहती हैं, जिन्होंने की ये घटना शेयर की, वो कहती हैं कि मेरी जॉब थी और मेरा जो शेड्यूल है बहुत बिजी है, बहुत बिजी लाइफ चलती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल लेके आऊँगी या कि मेरे घर में कभी लड्डू गोपाल आएंगे, क्योंकि मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मैं कर भी नहीं पाती उनकी सेवा। और मैंने सुना था कि उनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल है, उनको एक बच्चे के भाव में सेवा की जाती है, बार बार उनका भोग लगाया जाता है, तो इतना तो मेरे से हो नहीं पाता क्योंकि सुबह 10 से 6 मेरी ड्यूटी होती है, तो मैं कैसे कर पाती। लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल मेरे घर आए। और वो कैसे आए कि बीच में इनके जो हस्बैंड थे, इनकी जॉब छूट गई हुई थी, और वो भी जॉब इतनी अच्छी जॉब थी और 6 महीने के लिए जॉब छूटी। ऐसे नहीं कि इंटरव्यू देते थे और होता नहीं था, सब कुछ हो जाता था, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या होता था कि इनको मतलब ज्वाइन कर ही नहीं पाते थे ऑफिस। तो 6 महीने ऐसे ऐसे हो गए। और दिल्ली जैसे शहर में रहना, और अभी उनका मकान नहीं था, रेंट में रह रहे थे, तो किराया भी देना था। तो वही होता है ना कि आप चाहे जॉब करें, पैसे आए या ना आए, लेकिन जो आपका महीने का खर्च है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। वो खर्च आप नहीं रोक सकते हैं, खाना पीना बंद नहीं कर सकते हैं, रेंट देना आप बंद नहीं कर सकते हैं, नहीं तो जो भी मकान मालिक होगा वो निकाल देगा। तो जो भी उनकी जमा पूंजी थी वो खत्म होने मतलब ख़त्म ही होने वाली थी। 6 महीना बहुत टाइम होता है। और अभी आरती जी जॉब नहीं करती थी उस टाइम पर, आरती जी की शादी होगी 1.5 साल ही हुए थे। आरती जी ने सोचा भी नहीं था जॉब के लिए, लेकिन जब उनकी हस्बैंड की जॉब छूटी और इतना मुश्किल वाला टाइम आया, तब उन्होंने सोचा कि मुझे भी जॉब करना चाहिए, मुझे भी ट्राई करना चाहिए जॉब के लिए। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि इनकी फैमिली में शादी का फंक्शन होता है रिश्तेदार में, तो ये अपनी आई होती है मायके और इनके हस्बैंड भी आते हैं। तो ऐसी बातों में इन्होंने अपने घर में बताया कि इनकी जॉब छूटी हुई है और पता नहीं क्या हो रहा है, जॉब लग ही नहीं रही है, बहुत परेशान है, बहुत जो भी जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि रेंट तो देना ही है, खाना तो खाएंगे ही, घर का जो खर्च है वो तो चले, और ये होता ही है चाहे आपकी इनकम हो या ना हो, लेकिन आपका जो रोज़ का खर्च है, घरेलू खर्च है, वो तो खर्च होगा, वो तो रुकने वाला नहीं है। तो उनके लास्ट सब कुछ खत्म होने लगा था। लेकिन इतने में वही होता है ना कि जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं। तो वहाँ पे जो उनकी दादी जो थी वो भगवान की सेवा करती थी, और भगवान को, और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको भगवान में बहुत विश्वास होता है, और कहते हैं विश्वास ही फलता है और कुछ नहीं। देखो ये भगवान जो होते हैं वो मूर्ति होती है, लेकिन मूर्ति में जान कौन डालता है, भक्त। भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है, जब हम भक्ति में उतर जाते हैं ना, जब भक्ति हम करने लगते हैं, तो फिर वो जिसकी भी हम सेवा करते हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे वो दुर्गा जी हो, चाहे शिव जी हो, हम उनको समझते हैं। हम ये तो समझते ही नहीं कि ये मूर्ति है, तो हम तो भगवान साक्षात, हमारे मन में तो ये रहता है ना, ये इष्ट है, ये भगवान है, ये साक्षात विराजित है। तो वही भाव जब हम देते हैं, तो भाव से ही भगवान प्रकट होते हैं। और भाव है भगवान के प्रति, विश्वास है ना, तो वो चीज़ पूरी होती है। अगर विश्वास नहीं है आपको भगवान के ऊपर, तो आप कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी वो कर लो, अगर आप डगमगाओगे कि होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगी, तो वो चीज़ कभी आपकी नहीं होती है। और भगवान में अगर पूर्ण विश्वास के साथ करोगे ना, तो वो चीज़ जरूर होती। कोई भी इच्छा हो, कुछ भी हो, कोई भी आपने वो किया हो भगवान के लिए, तो वो जरूर आपकी इच्छा पूरी होती है। तो क्या होता है कि जब ये बताती है दादी से, कि दादी ने जब सुना इसकी बात, तो दादी कहती है कि देख बेटा, तू मानेगी तो है नहीं मेरी बात, लेकिन अगर मानना हो तो मैं एक बात बोलूँ मेरे से। तो बोलती हैं आरती जी कि हाँ दादी बताओ ना क्या बात है, क्यों नहीं मानूंगी, ऐसा क्यों बोल रही है, मतलब बात करती है वो दादी से। तो दादी कहती हैं कि देखो, मैं जो बोलूँगी अगर तुझे वो करना हो, तो एक काम कर ले कि घर में अपने लड्डू गोपाल ले आ, और लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं ना, उनको पूछ मत कि उनके ऊपर कितनी कृपा होती है, और तेरी जो भी परेशानी है, चाहे वो जॉब छूट गई हो, जो भी परेशानी है, घर में आते साथ लड्डू गोपाल की ना, ये सोच कि साक्षात लक्ष्मी उनके साथ चलती हैं। तो ऐसे जब वो दादी बताती हैं, तो ये जो आरती है बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ दादी, मैं भी जरूर लड्डू गोपाल को रखूंगी घर में और सेवा करूंगी। फिर दादी से वो पूछती है कि दादी कैसे सेवा कर पाऊंगी, ले तो आऊँ। उसको एकदम से याद आता है कि क्या पता मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। तो वो बोलती है कि देख, अभी मैं तेरे को बोली हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा कर ले, लेकिन वो तेरे घर तभी आएंगे जब उनकी इच्छा होगी। अगर उनकी इच्छा होगी तेरे से सेवा लेने की, तो वो आ जाएंगे, और तू बिल्कुल चिंता नहीं करो। उनकी सेवा, लोग कहते हैं ना कि बड़े मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, उनको सिर्फ भाव के साथ सेवा करो, उनके इतना मतलब उनके साथ इतने प्रेम से जुड़ो, उनके साथ एक बच्चे के भाव से जुड़ो, तो वो तो फिर पूछ रहे हैं कि वो कैसे इतनी कृपा करेंगे। ऐसे करके जब वो दादी समझाती हैं, तो फिर उसके मन में बड़ी खुशी हो जाती है। बस उनको जो ये थी आरती जी थी, उनको लगता है कि बस अब भगवान कृपा करेंगे ही। और कुछ दिन के बाद ही वो अपने घर आती हैं, और घर में लड्डू गोपाल मतलब ले आती हैं, घर में उनके लड्डू गोपाल आ जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी बड़े मन से सेवा करने लगते हैं, बहुत भाव से सेवा करने लगते हैं। फूलमाला वाले को रोज़ लगा लिए, रोज़ वो फूलमाला दे जाता है, सब बहुत अच्छे से भाव से भक्ति से उनकी सेवा करने लगते हैं। और सेवा करते करते 1 महीने भी नहीं हुए थे कि उनके हस्बैंड की इतनी बढ़िया जॉब लग जाती है, जो कि उन्होंने सोचा नहीं था। जितनी सैलरी उनको मिल रही थी, उससे डबल सैलरी उनको जिस जॉब में, ये न्यू जॉब में उनको मिलने लगती है। तो इन्होंने भी वो किया था, अप्लाई किया था जॉब के लिए, आरती जी भी। तो कुछ टाइम के बाद आरती जी की भी
जॉब लग जाती है, वैकेंसी निकली हुई थी इसकी टीचर की, तो उन्होंने डाला हुआ था, तो उसमें इनका सिलेक्शन हो जाता है। और आरती जी की भी बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, वो तो आरती जी ने तो सोचा ही नहीं था, जहाँ पे वो रह रही थी वहीं पे ही पास में ही गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं पे इनकी जॉब लग जाती है और ये जॉब करने लगती है। लेकिन देखो भगवान जब कृपा करते हैं ना, दया करते हैं, तो इसी तरीके से दया करते हैं कि जो कि आप जो सोचो ना वो भी मिल जाता है, कब जब भगवान की दया दृष्टि होती है, उनकी कृपा होती है। आरती ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जॉब लगेगी, और वो भी इतनी बढ़िया, पढ़ने में बहुत ऐसे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम भगवान की भक्ति करें और पढ़े लिखे ना हो या कि कुछ ऐसा ना करें और भगवान इतनी कृपा करते हैं, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। वो ठीक है भगवान का, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। आप सोचो कि भूख लगी है लेकिन खाना मुंह में आ जाए तो मुंह में खाना नहीं आएगा, जब तक आप थाली परोसोगे नहीं, खाना रखोगे नहीं, मुंह में डालोगे तब तक कैसे खा पाओगे। तो ऐसे ही होती है भगवान की कृपा कि मेहनत तो आपको करना पड़ता है। भगवान मार्गदर्शन दे सकते हैं, अपनी कृपा कर सकते हैं इसी तरीके की, आपके विचार अच्छे रख सकते हैं, आपको गलत रास्ते से बचा सकते हैं, बस इतनी कृपा करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो आरती जी है ना, इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि टीचिंग में अभी ज्वाइन किया था, कुछ दिन के लिए इनको जाना था, बाहर जाना था ट्रेनिंग के लिए। तो इनके पड़ोस में इनकी फ्रेंड बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी, तो इन्होंने कहा कि क्योंकि हस्बैंड को तो ऑफिस चले जाना था, अभी जब तक घर में थे तब तक तो घर में सेवा हो रही थी, तो इन्होंने सोचा कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होगी। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड से बात की कि तुम कुछ दिन के लिए, 15 दिन की बात है, तुम रख लो अपने घर में लड्डू गोपाल को। तो वो सहेली भी बोल देती है कि हाँ ठीक है रख लूँगी, तू परेशान मत हो। बहुत अच्छी सहेली थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गलती ये हो गई कि उसने कभी सेवा नहीं की थी। और ये जब जाने लगी, आरती जी जाने लगी अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो इन्होंने भी उतने ढंग से उसको बताया नहीं था। तो जब ये चली जाती है अपनी ट्रेनिंग के लिए और आरती की जो सहेली है लड्डू गोपाल को ले जाती है, सुबह शाम का वो भोग लगा देती, लेकिन उसको ये तरीका नहीं पता था कि उनको सुलाना कैसे है, कैसे, क्योंकि ये अभी ये ना भाव की बात होती है। जब हम उनके साथ किसी रिश्ते में जुड़ेंगे, कोई पुत्र मान के या गुरु मान के किसी भी रिश्ते के साथ जब जुड़ के हम उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर वो भाव आते हैं। उसने कभी सेवा की नहीं थी, तो उसको ये सब भाव पता नहीं थी। उसने बोला था कि सुबह शाम भोग लगा देना, भोग लगा देती थी। बाकी वो उसकी जो सहेली थी वो अपने रूम में सब सो जाते, एसी चालू कर देते, और भगवान के मंदिर के पास ना तो पंखा, ना कूलर, ना कुछ दूसरे रूम में भगवान बैठे रहते, और पूरा परिवार उनका एसी में सोता था। अब वहाँ ये देखो, जो भक्त होता और भगवान होता है ना, उनका रिश्ता कैसा जुड़ा होता है, कितना अनुभूति कराते, ये प्रेम जो होता है ना अंदर से होता है। अगर जैसे कहते हैं ना कि माँ को पता चल जाता है अगर उसका बच्चा तकलीफ में है, कष्ट में, आप खुद से लगा लो कि अगर हम दुखी होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी माँ परेशान हो जाती है, उनको बार बार याद आती है, और उसी टाइम पे आपके कई बार फोन आ जाएगा माँ का, उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची बेटी परेशान है। तो इसी तरह भगवान का भी रिश्ता होता है, जब हम भगवान को बच्चे के भाव में सेवा करते हैं ना, तो उनकी भी हमें अनुभूति होने लगती है। ऐसे ही हुआ आरती के साथ। आरती एक दिन सो रही थी, वो रात भर बेचैन रही, ऐसा लगा कि जैसे एक बच्चा बार बार रो रहा हो, और छोटा सा बच्चा है, वो बार बार उठ के बैठती कि मुझे बार बार ऐसा अंदर से एहसास भी हो रहा है जैसे कोई बच्चा रो रहा है। वो उठ के देखती, दरवाजे के पास आती, फिर उसको लगता है अरे वह है, फिर सो जाती। अब दूसरे दिन फिर यही हाल, सोती इस करवट उस करवट, उसको नींद नहीं आती, उसको बार बार यही मन में लगता कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मतलब एक हफ्ते तक उसको ऐसे ही लगा। फिर एक दिन उसको वो ऐसा नहीं है, पूछ लेती सुबह शाम उससे अपनी फ्रेंड से कि लड्डू गोपाल को भोग लगाए, लेकिन उसने भी ये पूछना भूल गई कि लड्डू गोपाल को सुलाती कैसे। एक हफ्ते से परेशान रहने लगी थी कि अजीब सा मुझे क्यों लगता है, अच्छा क्यों नहीं लगता, क्यों मुझे वही सपना बार बार याद आता है, आखिर कौन है वो बच्चा, क्यों ऐसा परेशान दिख रहा है, रोते हुए दिख रहा है, क्या कारण है, कौन बच्चा है वो, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसको ध्यान आता है कि मैं अपनी फ्रेंड से पूछूं तो कि लड्डू गोपाल कैसे हैं, आज फिर मैं एक बार पूछ के देखती हूं। तो फिर वो फोन करती है अपनी फ्रेंड को और पूछती है कि लड्डू गोपाल क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या भोग लगाई, कैसे सुलाती है तू। तो वो बोलते हैं, जो फ्रेंड थी वो कहती है कि जो तूने बता के गई थी वैसे ही मैं कर, देख मैं पहले लड्डू गोपाल की सेवा तो करती नहीं थी, तू जैसे बता के गई मैं वैसे ही करती हूँ, तो सुबह शाम लगा देती हूँ भोग। तो उसको एकदम से ध्यान आता है, तो वो पूछती है कि अच्छा बता कि सुलाती कहाँ पे है उनको और कैसे सुलाती है। तो बोली सुलाती कैसे है, मैं तो सुलाती ही नहीं हूँ, तू बताई कहाँ थी कि इनको सुलाना होता है, और वो तो वहीं बैठे हैं मंदिर में। तो वो तो जब वो सुनती है तो वो सुनती रह जाती है कि हे भगवान, इतने दिन से मेरा लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठा है सोया नहीं। तो वो बोले कि चल ठीक है, नहीं सुलाई है, बैठे हैं वहीं पे, तो कोई व्यवस्था है वहाँ पे, पंखा लगा के रखी है, कूलर कुछ है ऐसा ठंडक के लिए। तो बोली कि नहीं यार, मंदिर तो कॉर्नर में पड़ता है और है तो एसी तो है नहीं वहाँ पे, एसी रूम में लगा है और पंखा भी नहीं है, पंखे से थोड़ी दूर पे है, तो उनके पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, और तू बताई भी तो नहीं थी मुझे ऐसे करके। तो वो अपने ऐसे माथे में हाथ रखती है और कहती है कि हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, फिर
वो बताती है अपनी फ्रेंड को कि मुझे एक हफ्ते से सपना दिख रहा है, एक बच्चा मुझे रोते हुए दिख रहा है और परेशान है, दुखी है, ऐसे इतना छोटा सा बच्चा, तो ये कोई और बच्चा नहीं, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, जो कि मुझे इस तरीके के संकेतों के माध्यम से मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं यहाँ पे इतना परेशान हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं परेशान हूँ, आओ, ऐसे करके बुला रहा है मुझे। और देखो, लड्डू गोपाल कोई ऐसे नहीं है कि वो साक्षात प्रकट हो जाएंगे और बोलने लगेंगे, उनकी अनुभूतियाँ होती हैं, ऐसे संकेत होते हैं जो कि इन संकेतों के माध्यम से हम लड्डू गोपाल को समझते हैं, अनुभूति कर पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो क्या है, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों हमें ऐसे सपना आ रहा है, क्यों बार बार हमारे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। तो ये भक्तों की अनुभूति होती है, लड्डू गोपाल की अनुभूति होती है, जो कि अपने भक्तों को कराते हैं। इन्हीं संकेतों के माध्यम से हम लड्डू गोपाल के बारे में समझते हैं, उनकी इच्छा समझते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा कि वो अपने जो, देखो इनके ना लड्डू गोपाल के साथ हम ऐसे जुड़ते हैं जैसे एक बच्चा और एक माँ का रिश्ता। जब हमारा बच्चा परेशान होता है, जब हमारा बच्चा दुखी होता है, तो हर वो माँ को पता चल जाता है कि आज अगर बच्चा दूर है और माँ कहीं और है, बच्चा कहीं और है, और बच्चा अगर परेशान है तो माँ को पता चल जाएगा कि आज मेरा बच्चा जरूर परेशान है। बार बार उसको याद आएगी, कुछ भी वो तुरंत फोन करेगी, कैसे भी करके अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करेगी, और फिर जब बात करेगी तो वो बच्चे के माध्यम से पता चलेगा कि हाँ, आज वो परेशान था, कि कुछ बात थी। तो ये माँ बेटे का ऐसा रिश्ता होता है, एक माँ का और एक बच्चे का ऐसे रिश्ते होते हैं। तो जो भी भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, तो उनका भी कुछ इसी प्रकार रिश्ता हो जाता है, इसी प्रकार उनका संबंध हो जाता है, इसी प्रकार और भगवान संकेत देते हैं, अनुभूति कराते हैं, जो कि एक भक्त समझता है। तो फिर जब वो सुनती है कि जो मेरी फ्रेंड है वो ना तो सुलाई है और इतने दिन से, हफ्ते से वो बैठे हैं, तो उनको समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि कोई और नहीं, मेरे लड्डू गोपाल है। वो आती है, एक हफ्ते के अंदर ही आ जाती है वो ये सपने के बाद, और फिर जैसे ही आती हैं, अपने लड्डू गोपाल को लेती हैं अपनी फ्रेंड के पास से और उनसे माफ़ी मांगती हैं कि हे लड्डू गोपाल, माफ़ कर दो, अब कैसी भी परेशानी आए, कैसी भी सिचुएशन आए, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी, ना ही किसी के पास छोड़ूंगी, मुझे इस बार माफ़ कर दो। और फिर उनकी जो सहेली होती है वो भी माफ़ी मांगती है कि मुझे जाने अनजाने जो गलती हुई, जो भूल हुई, क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं की हूँ, मेरे से अनजाने में गलती हुई, तो उससे माफ़ी, लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल तो है ही इतने दयालु, सबके ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, और ऐसे ही अनुभूति कराते हैं अपने भक्तों से, जैसे कि इनकी लड्डू गोपाल ने कराई। और लड्डू गोपाल जिनके घर में भी होते हैं ना, बहुत कृपा करते हैं ये, हर उस लड्डू गोपाल के भक्त को ये बात पता है और उनको कोई ना कोई अनुभूति जरूर कराते हैं उनके लड्डू गोपाल, उनके बाल गोपाल। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।